The large tribe of elves was spread across western and central India by the late 16th century. Many of them had become settled agriculturists and some even zamindars. Many भील clans nevertheless remained hunter gatherers. जो भील थे वो अधिकतर जमींदार हो गए और फिर जो है अधिकतर लोग उनमें से जो हैं वो hunter gatherers भी रहे. The Gonds were found in great numbers across the present day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में ये लोग मिल पाए जाते थे, रहते थे. हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर लाइफ स्टाइल. देयर वर हंटर गैदरर्स अर्निंग फायर एंड देन हियर अगेन यू कैन सी दिस इमेज. नोमैडिक पास्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर एनिमल्स. दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पास्टोरल प्रोडक्ट्स. दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट और ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो एक दूसरे पर डिपेंड करते थे. दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन देयर एनिमल्स. द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर मूवमेंट्स. देयर कारवा वाज कॉल्ड टांडा. टांडा क्या था? ये बंजारों का कारवा कहा जाता था. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स. सुल्तान अलाउद्दीन इनका यूज़ करता था सिटी मार्केट में ग्रेन के लिए. एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन दियर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स. विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 100,000 बुलक्स कैरिंग ग्रेन. Now nomads and itinerant groups. Nomads are wandering people. Many of them are pastoralists who roam from one pasture to another with their flocks and herds. अपने जानवरों साथ एक से दूसरे जो घूमते रहते हैं उनको nomads कहते हैं. Similarly, itinerant groups such as craftspersons, peddlers, and entertainers travel from place to place. Practicing their different occupations. अपने अलग अलग काम. जो क्राफ्ट पर्सन है उनको इंटीनियरेंट्स कहते हैं और जो एनिमल होल्डर्स हैं उनको हम नोमैड्स कहते हैं. बोथ नोमैड्स एंड इंटीनियरेंट्स ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर. हर साल एक ही जगह पर ये लोग जाते थे. Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. अमीर लोगों को ये अपने सामान जानवर वगैरह बेचते थे. Different castes of petty peddlers also traveled from village to village. बहुत सारी अलग अलग जाति लोग अलग अलग गांव में घूमते थे जाते थे. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw melting and coarse sacks. जो हैं सेक्स यानी कि बोरे उनको बेचते थे. समटाइम्स मेडिसिनेंट्स में मेडिकेंट्स एक्टेड एज बाउंड्रिंग मर्चेंट्स. कभी कभार जो मेंडिकेंट्स थे वो भी जो हैं बाउंड्रिंग मर्चेंट के रूप में काम करते थे. देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लिवलीहुड. अलग अलग कामों के लिए लोग घूमते रहते थे. ये देखिए कितना सुंदर सा एग्जाम्पल उन्होंने पिक्चर दी हुई है. ये क्राफ्ट पर्सन का है. ये ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल है जो कि कोटियाकोन ट्राइब उड़ीसा में पाया गया. चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड एयर्स. किस एस द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड. स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्णा. छोटी जातियाँ जो हैं वर्णों में बट गई थी. फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपियर्ड अमंगस्ट द ब्राह्मणाज. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of jatis. Caste-based society बांट दिया और वहाँ पर जाति की status मिल गया. Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized as separate jatis by the Brahman. ब्राह्मण को अलग जातियों में बना दिया कि ये हिंदू है, ये आपका कारपेंटर है, ये स्मिथ है या ये जो है. जाति ज़्यादा देन वर्ण बिकेम द बेसिस ऑफ आर ऑर्गेनाइज सोसाइटी. पहले वर्ण जो था उसका बेसिस था सोसाइटी का, लेकिन अब जो है जाति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी. Among the Kshatriya, new Rajput clans became powerful by 11th and 12th centuries. They belong to different lineages. लाइनेज कहते हैं कि जो उनका कहना चाहिए कि एरार्की जो आ रही थी, सच एज हूण,
Chandel, Chalukya and others. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rules. और उन्होंने पुराने नियमों रूल्स को हटा दिया, चेंज कर दिया, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज में. हेयर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स और पावरफुल स्टेट्स को क्रिएट करते थे. द राइज ऑफ राजपूत्स क्लांस टू पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो. और राजपूत क्लान में भी जो पोजिशन हो गई तो बड़े लोगों को फॉलो करना होता था. ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणाज मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम. और ब्राह्मण जो हैं वो कास्ट सिस्टम के एक पार्ट हो गए. बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास. लेकिन जो लीडिंग जो बड़े ट्राइब्स थे वही रूलिंग क्लास में जा सकते थे. अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइंड द लोअर जाति का कास्ट सोसाइटी. और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जो नीची जातियों को ज्वाइन कर लिया. ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स पंजाब सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली. उन लोगों ने बहुत जल्दी से इस्लाम को कबूल कर लिया. द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब्ड बाई ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन द एरियाज. और इन एरियाज में जो असमानता से भरा हुआ हिंदू धर्म था उसको लोग नहीं मानते थे. द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमॉन्ग्स ट्राइबल पीपल. ट्राइबल में सोशल चेंज के लिए बहुत ही अच्छी तरह से बड़ा हुआ है. टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो. ये तो ये आपका देखिए एक गोन वूमन के आप देखिए कल्चरल में अपना ट्रेडिशनल ड्रेसेस में है. और यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन दिया है. ट्रीज एंड बुशेज इन ए फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न. द क्रॉप इज सोन इन द एशेज. वैन दिस लैंड लूजेज इट्स फर्टेलिटी अनदर प्लॉट और लैंड इज क्यूबलेड. खेतों के करने के लिए झाड़ियों पेड़ों को काट देते हैं, आग लगा देते हैं, उसकी राख पड़ जाती है, उस ऐश में खेती होती है. और जब इस एरिया की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो दूसरा एरिया इस तरह जाके जाता है. इसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहते हैं. द गोंड्स लिव्ड इन ए वास्ट फॉस्टर्ड फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाई गोंड्स. दे प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own Raja or Rai. About the time that power of Delhi Sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. तो जैसे power गिरती गई तो ये छोटे छोटे होते चले गए और इनमें बहुत सारे राजा और राय होते थे. The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentions the Gond kingdom of Gadkatanga that had 70,000 villages. Akbarnama में बताया गया है कि यहाँ पर 70,000 villages थे. The administrative system of these kingdoms was becoming centralized, और एक्चुअली इनका centralized बना देने एक central power बन रही थी. The kingdom was divided into Gad. Kingdom को Gad में बांटा गया था. Each Gad was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages, जिनको 84 कहते थे. The 84 was subdivided into बढ़ौत, जिनको 12 विलेज 12 विलेज होते थे. The emergence of large states changed the nature of Gonds society. Gonds का nature बदल गया. They are basically equal society, gradually got divided into unequal social classes. पहले इनका सोसाइटी एक थी लेकिन अब वो धीरे धीरे ऊंची नीच में बढ़ना शुरू हो गई थी. ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज एंड बीकेम मोर इन्फ्लुएंशियल, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे. द गोंड चीफ्स नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. और गोंड ने कहा कि हमको राजा कहा जाए, राजपूत कहा जाना चाहिए. सो अमनदास द गोंड राजा ऑफ गढ़कटंगा एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलवाहन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा. दलपत हाउएवर डाइड अर्ली. रानी दुर्गावती वाज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 ईयर ओल्ड सन वीर नारायण. अंडर हर द किंगडम बिकेम बहुत ही पावरफुल हुआ. 1565 में मुगल फोर्सेज ने आसफ खां के
अंडर में अटैक किया गलकडनंगा पर। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट बाई रानी दुर्गावती, शी वाज डिफीटेड एंड प्रीफर टू डाई रादर देन सरेंडर। और फिर रानी दुर्गावती की मौत हो गई उस युद्ध में, और उसका बेटा ही मर गया, और सारे का सारा जो राजा ताज था वो दुश्मनों के हाथ में पहुंच गया, मुगलों के हाथ में पहुंच गया। गलकडनंगा वाज अ रिच स्टेट, बहुत ही अमीर स्टेट था। इट अर्नड मच वेल्थ बाई ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. They annexed part of kingdom and granted the rest to Chander Chandra Shah, an uncle of B. Narayan ko dekar usko wahan ka raja bana diya. Despite the fall of Galkatanga, the Gond kingdom survived for some time. और उसके बाद कुछ ही समय के बाद में ये Gond kingdom खत्म हो गया। However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and Marathas, इन लोगों को हरा दिया, इनको खत्म कर दिया। Rest part we will study in the third part of the chapter.